भगवान जगन्नाथ मंदिर की जितनी आस्था पूरे विश्व में व्याप्त है, उतने ही रहस्य भी हैं। आइए उन रहस्यों को विस्तार से देखते हैं। नंबर वन, भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्माण किया गया है कि इसको पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा में देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। नंबर टू, शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये भी है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हवा के विपरीत ही हमेशा लहराता है। ऐसा क्यों होता है इसका पता आज तक नहीं लग पाया है। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य ये भी है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिला पर उल्टा चढ़कर बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। नंबर थ्री, विश्व की सबसे बड़ी रसोई। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पात्र सबसे ऊपर रखा जाता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले पात्र में बनता है और जिस पात्र में सबसे ज़्यादा आँच पड़ रही होती है यानी सबसे नीचे, उसमें भोजन सबसे बाद में पककर तैयार हो जाता है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। यहाँ कितने भी श्रद्धालु क्यों ना आ जाएं, कभी भी यहाँ का प्रसाद खत्म नहीं होता है। यहाँ पर रोजाना तकरीबन 20,000 से 30,000 लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। इनकी संख्या चाहे कितनी भी हो जाए लेकिन प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। नंबर फोर, जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी भी पक्षी नहीं बैठते। यहाँ के मंदिर के गुंबदों पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखाई देंगे। पक्षी इस मंदिर के इर्द गिर्द भी नहीं उड़ते, यहाँ तक कि इसके ऊपर से कोई हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया जाता। नंबर फाइव, जगन्नाथ मंदिर की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4,00,000 वर्ग फुट तक फैला हुआ भव्य मंदिर है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर की गुंबद की छाया दिन के समय कभी भी नहीं बनती है। नंबर सिक्स, यह मंदिर समुद्र तट के निकट स्थित है। इस मंदिर की एक विचित्र बात यह भी है कि मंदिर समुद्र तट के निकट होने के बावजूद भी मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। एक बार जब आप अपने कदम इसके सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज़ गायब हो जाती है और जैसे ही इस द्वार से बाहर निकलेंगे तो आवाज़ फिर से दोबारा सुनाई देने लगेंगी। नंबर सेवन, जगन्नाथ पुरी मंदिर में चलती है विपरीत दिशा में हवा। नंबर एट, मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ यानी कि लकड़े के लट्ठे की मूर्ति का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनको पहली बनी मूर्ति के साथ बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्ति बनाने के बावजूद भी इनका स्वरूप, आकार, रंग रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा रहता है। नंबर नाइन, जगन्नाथ पुरी में ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। जगन्नाथ पुरी मंदिर के रहस्य में आश्चर्यचकित कर देने वाला एक सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्ति को जब 12 वर्ष बाद बदला जाता है तो पूरे शहर में अंधेरा करवा दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर की सुरक्षा और चारों तरफ से पुख्ता कर दी जाती है। इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठान 9 कलेवर करवाया जाता है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ तब निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा।
उनको नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक फिर स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा होती है, इतना तेज होता है कि अगर कोई व्यक्ति इसे देख ले तो अंधा हो सकता है और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वैसे तो आज तक इसे किसी ने नहीं देखा और सदियों से यही प्रक्रिया चलती आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव की माने तो उन्हें लगता है कि मानो कोई किसी जीवित चीज को हाथ में वो ले लिए हो और वह पदार्थ किसी खरगोश की तरह फुदकता रहता है। कोई कहता है कि यह अष्ट धातु से बना दिव्य पदार्थ है और धर्मशास्त्र की माने तो भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय बताया गया है।